गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स सर एंड मैम समस्त को सुंदरगढ़ जिलार वर्चुअल शिक्षादान कार्यक्रम को स्वागत एवं अभिनंदन मु जितेन्द्र साह पीईटी आर्ट शिक्षक सरकारी उच्च विद्यालय उज्जवलपुर थारे कार्यरत पिला माने आज आम नवम श्रेणी इतिहास और राजनीति विज्ञान बहिर राजनीति विज्ञान विभाग रो द्वितीय अध्याय प्रथम पाठ मानवाधिकार बा राइट टू मानवाधिकार बा ह्यूमन राइट्स विषय रे अध्ययन करिवा पिला माने आमे जानिछे जे पृथ्वी रे द्वितीय विश्व युद्ध वर्तमान सुद्धा हेछि प्रथम विश्व युद्ध केबे हेतिला उपेन्द्र हाई स्कूल 1914 वेरी गुड 1914 रो स्टार्ट हेगी 1918 पर्यंत एवं द्वितीय विश्व युद्ध केबे हेतिला जयराम हाई 1939 वेरी गुड 1939 मसिया रो 1945 मध्ये रहितला आउ पिला माने आमर यूनाइटेड नेशन मिलित जाति संघ केबे प्रतिष्ठा हेतिला द्वितीय विश्व युद्ध 1949 हेतिला किंतु आमर यूनाइटेड नेशन मिलित जाति संघ केबे प्रतिष्ठा हेतिला 1945 मसिया 1900 अक्टूबर 24 1945 मसिया वर्तमान अभी हमें स्मार्ट बोर्ड सहाय्य नहीं ह्यूमन राइट्स व मानवाधिकार विषय रे पुंखानुपुंख आलोचना करिवा पिला माने आज हम राजनीति विज्ञान विभाग रो मानवाधिकार विषय रे जानिवा मानवाधिकार कौन एबे यार कार्य कौन यार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कौन यहा केबे थारु कार्यकारी हला तार विषय रे आबे हमें जानिवा आमे विभिन्न विषय विषय रे जानिबा मानवाधिकार रो मानवाधिकार मानवाधिकार रो ऐतिहासिक पृष्ठ भित्तिभूमि मानवाधिकार रो प्रकार भेद मानवाधिकार रो मुख्य लक्षण भारत रे मानवाधिकार रो सुरक्षा जातीय मानवाधिकार कमिशन संपादन करथवा कार्यवली ए सब विषय रे आमे एबे जानिबा मानवाधिकार पृथ्वी पृष्ठ रे जेते मनुष्य जन्म ग्रहण करिसंती से जे कोनोसी देशर जातिर धर्मर वर्णर बा जे कोनोसी भाषाभाषी अंचल हुवंतु प्रत्येक मनुष्य शांतिर सह सुरक्षित भावरे निरापद भावरे जीवन जापन करिवार अधिकार रहिछि ताहाको मानवाधिकार कहा जाए आमर पृथ्वी पृष्ठरे जेते भी मनुष्य जन्म ग्रहण करिछन से जे कोनोसी जातिर हुवंतु ना जे कोनोसी धर्मर वर्णर हुवंतु प्रत्येक मनुष्य शांतिर सह सुरक्षित भावरे एवं निरापद भावरे जीवन जापन करिवार अधिकार रहिछि एहाको आमे आमर मानवाधिकार बा मानवाधिकार कहि थाउ तेबे पिला माने आमे समस्त द्वितीय विश्व युद्ध रो भयावहता संपर्क रे अल्प बहुते किछि ना किछि जानिछे द्वितीय विश्व युद्ध 1939 मसिया रो आरंभ होई 1945 मध्ये रे होइतिला जहा कि आम इतिहास को आलोचना कले जना पड़े जे एही दुई महायुद्ध प्रथम विश्वयुद्ध एवं द्वितीय विश्वयुद्ध मानवाधिकार उल्लंघन जो अनेक युद्ध संगठित जेपरी कि प्रथम विश्वयुद्ध एवं द्वितीय विश्वयुद्ध यहाँ द्वारा अनेक क्षति साधन होइछि द्वितीय विश्वयुद्ध क्षय क्षति भयावहता समग्र विश्ववासी को एही मानवाधिकार विषय रे चिंता करबा पई बाध्य कर देतिला द्वितीय विश्व युद्ध रे एते क्षय क्षति होइतिला एवं तार भयावहता एते थिला जहा कि समग्र विश्ववासी को पृथ्वी रे जेते देश अछन समस्त को एही मानवाधिकार विषय रे एही मानव अधिकार विषय रे चिंता करबा पई बाध्य कर देतिला द्वितीय विश्व युद्ध रे अनेक आधुनिक अस्त्र शस्त्र जेपरी कि परमाणु बोमार व्यवहार होता आम जानी द्वितीय विश्व युद्ध रे परमाणु व्यवहार होता जहा कि अमेरिका जापान उपरे परमाणु बोमा विस्फोरण करथिला एही युद्ध रे केतेक मनुष्य मृताहत होइतिले केते जे मनुष्य विकलांग होइतिले केते धन संपत्ति क्षय होता ताहा कलना करबा असंभव द्वितीय विश्व युद्ध रो भयावहता एते थिला
ଯେ ଏହି ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ କେତେକ ମଣିଷ ମୃତାହତ ହୋଇଥିଲେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମଣିଷ ମୃତାହତ ହୋଇଥିଲେ, କେତେ ଲକ୍ଷ ମଣିଷ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ, କେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ କଳନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହତା ଏତେ ଥିଲା ଯେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ, ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ, ଶାନ୍ତିର ସହ ସହାବସ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ, ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିବାଦର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ଆମର ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘ, ଆମର ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘ ଯାହାକି ଅକ୍ଟୋବର 24, 1945 ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହତାକୁ ଦେଖି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଏକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ ପାଇଁ, ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିବାଦ ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ବା ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘ ଅକ୍ଟୋବର 24, 1945 ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘ ଏହି ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ମାନବାଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କିପରି ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ, ମାନବ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବସବାସ କରିପାରିବ, ତାର ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ପରେ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ପରେ ପରେ 1945 ଅକ୍ଟୋବର 24 ଆମର ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ସନନ୍ଦ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଏହାର ସନନ୍ଦ ଯେଉଁ ସନନ୍ଦ ବା ଏହାର ଧାରାରେ ଲିଖିତ ଥିଲା ଯେ ସେଥିରେ ମାନବାଧିକାରକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ରୂପେ ଆରୋପ କରିବାକୁ, ମୌଳିକ ଅଧିକାର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହତାକୁ ଦେଖି ଏହି ଆମର ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘର ସନନ୍ଦରେ ମାନବାଧିକାରକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ରୂପେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ସାର୍ବଜନୀନ ମାନବାଧିକାର ଘୋଷଣାନାମା ବା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ କୁ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘର ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନରେ 1948 ଡିସେମ୍ବର 10 ଦିନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। 1948 ଡିସେମ୍ବର 10 ଏହି ଦିନଟିକୁ ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ ଡେ ବା ମାନବାଧିକାର ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନ, ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘର ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନ 1948 ଡିସେମ୍ବର 10 ଦିନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ 1948 ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନରେ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ 1966 ପୁଣି ଥରେ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘର ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନ ସାଧାରଣ ସଭା ମାନବାଧିକାରକୁ ଆଇନଗତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଯାହାକି ଆଇନର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇପାରିଥିଲା, ମାନବାଧିକାର ଆଇନର ମର୍ଯ୍ୟାଦା 1966 ସାଧାରଣ ସଭା ଦ୍ୱାରା ଆଇନର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇପାରିଥିଲା। ମାନବାଧିକାରକୁ କେତେ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି? ମାନବାଧିକାରକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ନାଗରିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧିକାର। 2 ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। 1976 ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। 1993 ଭିଏନା ଘୋଷଣା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବାର ଯୋଜନା ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ଏବେ ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ ମାନବାଧିକାରର ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିଷୟରେ। ମାନବାଧିକାର ବିଷୟରେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ, ମାନବାଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ମାଗ୍ନାକାଟା, ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଘୋଷଣାନାମା ଓ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବର ଘୋଷଣାନାମାରେ କେତେକାଂଶରେ ସୂଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମାନବାଧିକାରକୁ ଆଗରୁ ମାଗ୍ନାକାଟା, ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଘୋଷଣାନାମା ଓ
फरासी विप्लवर घोषणा नामारे केतेक अंशरे सूचित करा जायतिला मानव मानकर सुरक्षा पई आगरु मध्य पदक्षेप लागि किछि सूचित करा जायतिला। अर्थनैतिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार रे सुरक्षा पई संयुक्त राष्ट्र संघ मध्य केतेक पदक्षेप ग्रहण करबा ठीक बोली उपलब्धि करथिला। अर्थनैतिक क्षेत्र रे सामाजिक क्षेत्र रे ओ सांस्कृतिक अधिकार रे सुरक्षा पई मिलित जाति संघ बा संयुक्त राष्ट्र संघ केतेक पदक्षेप ग्रहण करबा पई ठीक बोली उपलब्धि करथिला। सार्वजनिक मानवाधिकार घोषणानामा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स माध्यम रे सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ ए दिगरे कार्यकारी ए दिगरे पदक्षेप ग्रहण करथिला बा कार्यकारी करथिला। पिला माने आमे आगरो जानले जे आमर 1948 डिसेंबर मास 10 तारीख दिन आमे मानवाधिकार दिवस बा ह्यूमन राइट्स दिवस भाबरे पालन करूछु। एबे पिला माने एबे मानवाधिकार ऐतिहासिक भित्तिभूमि विषय रे जानिबा। मानवाधिकार मुख्यतः तीन गोटी क्षेत्र रे घटीछि। प्रथमतः एहार कार्य परिसर बढ़ी मानवाधिकार कार्य परिसर वृद्धि पाई। द्वितीयतः मानवाधिकार सुरक्षा लगी नुआ नुआ आईन और अनुष्ठान गुड़िक सृष्टि होई। द्वितीयतः नुआ नुआ आईन एवं अनुष्ठान सृष्टि होई। तृतीय रे स्वेच्छासेवी अनुष्ठान एवं अन्य बेसरकारी संस्था गुड़िकर सुरक्षा दिगरे अधिक सक्रिय होइछंती। मानवाधिकार रो एही तीन गोटी क्षेत्र जहाँ कि स्वेच्छासेवी अनुष्ठान एवं अन्य बेसरकारी संस्था गुड़िकर सुरक्षा दिगरे अधिक सक्रिय होइछंती। मानवाधिकार रो प्रकार भेद मानवाधिकार को मुख्यतः तीन गोटी भाग रे विभक्त करा जाइछि। प्रथम पीढ़ी अधिकार द्वितीय पीढ़ी अधिकार एवं तृतीय पीढ़ी अधिकार। प्रथम पीढ़ी अधिकार फर्स्ट जेनरेशन राइट आद्य भाग रे व्यक्ति को जेपरी अधिक राजनीतिक ओ सामाजिक अधिकार मिले से मुख्यतः उद्यम करा जायतिला। प्रथम पीढ़ी रे व्यक्तिर सामाजिक और राजनीतिक अधिकार जेपरी अधिक पाई मुख्यतः उद्यम बा प्रचेष्टा करा जायतिला। द्वितीय पीढ़ी अधिकार सेकेंड जेनरेशन राइट परवर्ती समय रे जना पड़ला जे अर्थनैतिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार न मिलवा पर्यंत अर्थनैतिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार न मिलवा पर्यंत सामाजिक राजनैतिक स्वाधीनता मिलवा अर्थहीन। द्वितीय पीढ़ी अधिकार रे जना पड़ला जे आमे अर्थनैतिक क्षेत्र रे सामाजिक क्षेत्र रे सांस्कृतिक क्षेत्र रे अधिकार न पाइबा पर्यंत सामाजिक राजनीतिक अधिकार बा स्वाधीनता मिलवा अर्थहीन अटे। एथि पई एही अधिकार अस्वीकार गुड़ी को प्रति सरकार सकारात्मक दृष्टि देवारे आवश्यकता समस्ते उपलब्धि कले। एथि पई एही अधिकार बा एही स्वाधीनता अस्वीकार गुड़ी को प्रति सरकार सकारात्मक भावरे दृष्टि देवार पई आवश्यकता उपलब्धि कले। तृतीय पीढ़ी अधिकार विंश शताब्दी कहले आम 1900 शेष भाग रे मानवाधिकार कार्य परिसर आहुरी बढ़ी गला। नुआ नुआ अधिकार मान एथिरे अंतर्भुक्त हला। तन्मध्यरे आत्मनिर्भर अधिकार अनग्रसर अधिकार व्यक्ति मानन को पाई स्वतंत्र सुरक्षा अधिकार ए सबो अधिकार गुड़ी को विंश शताब्दी रे शेष भाग रे तार कार्य परिसर को आहुरी वृद्धि करी अछि। आत्मनिर्भर अधिकार अनग्रसर व्यक्ति मानन को पाई स्वतंत्र सुरक्षा अधिकार जहां की तृतीय पीढ़ी अधिकार
ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଏବେ ମାନବାଧିକାରର ତିନି ଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମାନବାଧିକାରର ତିନି ଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ସାର୍ବଜନୀନ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ସାର୍ବଜନୀନ ବା ୟୁନିଭର୍ସାଲ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ବ୍ୟକ୍ତି। ସାର୍ବଜନୀନ କହିଲେ ମାନବାଧିକାର ସବୁଠାରେ ଏକା ବୋଲି, ମାନବାଧିକାରଟି ସବୁଠାରେ ଏକା ବୋଲି। ସେ ଯେକୌଣସି ଦେଶ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ ହଉ, ଯେକୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହଉ, ଦେଶ ସମାଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସଂସ୍କୃତି ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏହା ସାର୍ବଜନୀନ ମାନବାଧିକାରଟି। ସେ ଯେକୌଣସି ଦେଶ ହଉ, ଯେକୌଣସି ସମାଜ, ଯେକୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଯେକୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଯେକୌଣସି ସଂସ୍କୃତି ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏହା ସାର୍ବଜନୀନ ଅଟେ। ସବୁଠାରେ ଏହି ଅଧିକାର ଗୁଡିକ, ମାନବାଧିକାର ଗୁଡିକ ସମ ପରିମାଣରେ ମୂଲ୍ୟବାନ। ସେ ଯେକୌଣସି ଦେଶ ହେଇଥାଉ, ଯେକୌଣସି ସମାଜ ହେଇଥାଉ, ସବୁଠାରେ ଏହା ସମ ପରିମାଣରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆଟ୍ ଦ ସେଣ୍ଟର। ମାନବାଧିକାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କହିଲେ ଏହା ମଣିଷକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ମାନବାଧିକାରରେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କହିଲେ ଏହା ମଣିଷକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ମଣିଷ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ସମାଜରେ ହେଉ ବା ଅଥବା ଯେଉଁ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଏହି ଅଧିକାର ସେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ। ମଣିଷ ସେ ଯେକୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରର ହେଇଥାଉ, ଯେକୌଣସି ସମାଜର ଅଥବା ଯେକୌଣସି ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ହେଉ, ସେ ଏହି ଅଧିକାର ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିକାଶ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିନା ମାନବାଧିକାରର କଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସେ ଦେଶରେ ଆମେ ମାନବାଧିକାର ବିଷୟରେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ବିକାଶ ଲାଗି ରହିଛି, ତାହା ଦୁଇ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ମାନବାଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ କି କି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଆମେ ଜାଣିବା। ଭାରତରେ ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭାରତରେ ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 1993 ମସିହାରେ ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ, ଦ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ଆକ୍ଟ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। କେବେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା? ପ୍ରଥମେ ଭାରତରେ 1993 ମସିହାରେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ, ଦ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ ଆକ୍ଟ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 51, ଏହି ଅଧିକାରକୁ, ମାନବାଧିକାରକୁ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 51 ଏବଂ ଭିଏନା ସମ୍ମିଳନୀର ସନନ୍ଦ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଆମ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 51 ଓ ଭିଏନା ସମ୍ମିଳନୀର ସନନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ମାନବାଧିକାର ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ମୁକ୍ତି, ସମାନତା, ଆତ୍ମମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇବାର ଅଧିକାର, ଯାହା ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ନାଗରିକମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ 6 ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପାଉଛନ୍ତି। ତାର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମାନବାଧିକାର, ବ୍ୟକ୍ତିର କିପରି ମୁକ୍ତି, ସମାନତା, ଆତ୍ମମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇବାର ଅଧିକାର, ଯାହା ଆମ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। 2005 ଆମେ ଆଉ କ୍ଲାସରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଛେ, ଜାଣିଛେ। 2005 ଭାରତରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। 2005 ପ୍ରଣୀତ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆକ୍ଟରେ ସବୁ ବିଭାଗ, ସବୁ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। କେବେଠାରୁ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି? 2005 ଅକ୍ଟୋବର 12 ଭାରତରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ,
नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन। भारत रे 1993 मसिया सेप्टेम्बर मास 29 तारीख दिन जातीय मानवाधिकार कमिशन गठित होईची। भारत रे केबे गठित होईची 1993 मसिया सेप्टेम्बर मास 29 तारीख दिन जातीय मानवाधिकार कमिशन टी गठित होईची। आम देश रे मानवाधिकार संपर्कित सचेतनता वृद्धि करिबा, मानवाधिकार अधिक सुरक्षा देबा यहार लक्ष्य। मानव मानकर किपर सचेतन हेबे, तांकर अधिकार किपर पाई पारिबे, तार सुरक्षा किपर हेबो, सेति पई एही कमिशन बा जातीय मानवाधिकार कमिशन रो मुख्य लक्ष्य अटे। जातीय मानवाधिकार कमिशन संपादन करथवा कार्यवली की कार्य संपादन करथै, मानवाधिकार सुरक्षा पई विभिन्न पदक्षेप गुडी को परीक्षा करबा एवं अधिक उत्तम पदक्षेप नबा लागि सुपारिश करबा। मानवाधिकार विभिन्न पदक्षेप गुड़ी को परीक्षा करबा किपर नागरिक माने उन्नत जीवन जापन कर पाबे, तांकर अधिकार गुड़ी को पाई पारिबे, से गुड़ी को विषय विभिन्न पदक्षेप नबा परीक्षा करबा आउ ताकु सुपारिश करबा। मानवाधिकार उल्लंघन संपर्कित अभियोग गुड़ी को तदंत करबा। द्वितीय कार्य होची मानवाधिकार उल्लंघन संपर्कित अभियोग। आमे कहिले देखि मानवाधिकार उल्लंघन किपर होइथाय, जेपर विभिन्न युद्ध होइथाय, ताहा द्वारा मानवर बा जनसाधारण को अधिकार रु से माने निवृत्त होइथांती। प्रथम विश्वयुद्ध हला, द्वितीय विश्वयुद्ध हला, ए सब गुड़ी को आमर उल्लंघन मानवाधिकार रो उल्लंघन होइतिला। तृतीयत मानवाधिकार उल्लंघन निवारण करिबा दिगरे सरकारी कर्मचारी मानकर विफलता संपर्क रे तदंत करिबा। जदि मानवाधिकार उल्लंघन होउची, कहा सरकारी कर्मचारी मान मानवाधिकार उल्लंघन करछन्ती, तार विफलता संपर्क रे तदंत करिबा। 4 नंबर, जे कोनोसी न्यायालय रे मानवाधिकार उल्लंघन संपर्क रे विचार चालीथिबा बेले पक्षभूत हबा। जे कोनोसी न्यायालय हो मानवाधिकार र उल्लंघन संपर्क रे विचार चालीथिबा विषय रे पक्षभूत हबा। जेल रे कैदी मानकर अवस्था सुधार आनिबा लागि जेल परिदर्शन करी आवश्यक सुपारिश प्रदान करिबा। मानवाधिकार रो अनेक कार्यवाली हला कैदी मानकर सुरक्षा पई तांकर अवस्था रे सुधार आनिबा पई जेल परिदर्शन करी आवश्यक सुपारिश प्रदान करिबा। संत्रासवादी मानकर कार्यकलाप द्वारा मानवाधिकार विपन्न हेउथले सेगुडीकर समीक्षा करी उपयुक्त प्रस्ताव देवा। आतंकवाद संत्रासवाद तार कार्यकलाप द्वारा अनेक मानवाधिकार मानव मानकर अधिकार विपन्न बा क्षय होइथाय, जहां सेगुडी को समीक्षा करी उपयुक्त प्रस्ताव देवा। मानवाधिकार संपर्कित गवेषणा को प्रोत्साहित करिबा, मानवाधिकार संपर्क रे अनेक गवेषणा ताकु प्रोत्साहित करिबा तार एक अन्य एक कार्यवली। समाज रे विभिन्न श्रेणी रो लोक मानंकु मानवाधिकार संपर्क रे अधिक सचेतनता करिबा, मानव किपरि से माने सुरक्षा पाई पारिबे, उपयुक्त सुरक्षा पाई पारिबे, तांकर विभिन्न अधिकार गुडी को उपभोग करि पारिबे, सेति पई लोक मानंकु मानवाधिकार संपर्क रे अधिक सचेतन करैबा। मानवाधिकार सुरक्षा लागि कार्यरत स्वेच्छासेवी अनुष्ठान मानंकु प्रोत्साहित करिबा। जनसाधारण बा मानवर सुरक्षा लागि कार्य करथवा अनेक अनुष्ठान, स्वेच्छासेवी अनुष्ठान, एनजीओ से मानंकु मानवाधिकार उन्नति पई प्रोत्साहित करिबा। पिला माने एबे मानवाधिकार सुरक्षा रे प्रतिबंधक की प्रतिबंधक रहिछि से विषय जानिबा। मानवाधिकार सुरक्षा प्रतिबंधक गुड़ी कहला प्रथमे दारिद्र, तापरे सांप्रदायिकता एवं हिंसा भाव, ए सब होची मानवाधिकार सुरक्षा रो प्रतिबंधक। क्षुधा ओ दारिद्र जोग व्यक्तिर मौलिक आवश्यकता पूरण होई पारे नाही। जदि व्यक्ति टी भोक उपासरे रहूची, भोकरे रहूची, किंबा से जदि दरिद्र ताहेले तार मौलिक आवश्यकता पूरण होई पारेबो नाही। फलरे जहा फलरे मानवाधिकार रो
क्षुण्ण हम मौलिक आवश्यकता कहले पे आम जानी खाद्य वस्त्र एवं बासगृह ए सब हूँ मनिषर मौलिक आवश्यकता जदि से भूक क्षुदारे रहा से जो दारिद्रता घर ना से दारिद्र रुचि तार आवश्यकता गुड़िक पूरण हो पार ना फल तार मानवाधिकार क्षुण्ण होउची मानवाधिकार क्षुण्ण होउची। द्वितीय टी हूँ द्वितीय प्रतिबंधक जहाँकि सांप्रदायिकता धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रे सांप्रदायिकतार स्थान ना आम जानचे भारत गोटे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहले जो राष्ट्र रे जेकोसी धर्म जेकोसी भाषा भाषी लोक रही पारे से हिंदू मुसलमान ख्रीस्टियान सिख से जेकोसी धर्म लोक बसवास करेंगे तेणु भारत एक हूँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। किंतु मानवाधिकार अन्य एक प्रतिबंधक हूँ सांप्रदायिकता संप्रदाय धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में सांप्रदायिकतार संप्रदाय संप्रदाय मध्य स्थान ना समस्ते एका विभिन्न धर्मावलम्बी लोक मैंने मिलमिशी निजर दायित्व तुलाइले और कर्तव्य पालन कले मानवाधिकार सुदृढ़ हो पार जदि आम धर्म धर्म संप्रदाय संप्रदाय मध्य लड़े न कर मिलमिशी कार्य कर निजर निजर कार्य गुड़ी सठिक भाव तुलाइबा दायित्व गुड़ी सठिक भाव तुलाइबा कर्तव्य ठीक भाव संपादन करवा पालन करवा आम मानवाधिकार अधिक सुदृढ़ हम एणु आम जान लेजे मिलमिशी कार्य करवा दायित्व तुलाइबा कर्तव्य पालन करवा जहाद्वारा कि मानवाधिकार सुदृढ़ हो पार। अन्य एक प्रतिबंधक हूँ हिंसात्मक कार्य लिप्त रही निजर स्वार्थ जड़ित लक्ष्य साधन करने को चेष्टा कले अन्य व्यक्तिर मानवाधिकार क्षुण्ण होता है। जदि आम हिंसात्मक कार्य जदि गंडगोल किंबा युद्ध किंबा अनेक हिंसा कार्य लिप्त रही निजर आम निजर स्वार्थ उन्नति निजर स्वार्थ जड़ित लक्ष्य साधन चेष्टा करवा अन्य व्यक्ति मानकर अन्य जनसाधारण मानकर मानवाधिकार क्षुण्ण हे अन्य व्यक्ति मानवाधिकार क्षुण्ण हम किपरी क्षुण्ण हम जदि आम निजर स्वार्थ बा निजर लक्ष्य साधन कार्य करवा हिंसात्मक उपाय रही निजर लक्ष्य साधन कार्य करवा आमर मानवाधिकार क्षुण्ण हम तेणु मानवाधिकार सुरक्षा हिंसा भाव परित्याग करवा विधेय तेणु मानवाधिकार सुरक्षा आम हिंसा करिबा नाही बा हिंसा परित्याग करिबा ए सब होची आमर प्रतिबंधक दारिद्र सांप्रदायिकता एवं हिंसा भाव। पिला माने एबे आम किछि प्रश्न एवं तार उत्तर देबाकु चेष्टा करिवो किछि प्रश्न क्यों अधिवेशन रे सार्वजनिक मानवाधिकार घोषणानामा ग्रहण करा जायतिला क्यों अधिवेशन रे सार्वजनिक मानवाधिकार घोषणानामा ग्रहण करा जायतिला सार्वजनिक मानवाधिक घोषणानामा सठिक उत्तर देवा पय चेष्टा करो क्यों अधिवेशन रे सार्वजनिक मानवाधिकार घोषणानामा ग्रहण करा जायतिला सार्वजनिक मानवाधिकार घोषणा नामा उत्तर संयुक्त राष्ट्र संघर साधारण अधिवेशन रे सार्वजनिक मानवाधिकार घोषणा ग्रहण कराइतला क्यों अधिवेशन संयुक्त राष्ट्र संघर साधारण अधिवेशन। द्वितीय प्रश्न केबे सार्वजनिक मानवाधिकार घोषणा नामा ग्रहण करा जायतिला उजलपुर गालेस 1948 मसिया डिसेंबर मास 10 तारीख दिन वेरी गुड 1948 मसिया डिसेंबर मास 10 तारीख दिन ठीक ठीक 1948 मसिया डिसेंबर मास 10 तारीख दिन सार्वजनिक मानवाधिकार घोषणा नामा ग्रहण करायतिला एही दिवस टिको आमे ह्यूमन राइट डे बा मानवाधिकार दिवस भाबे पालन करिथाउ
तृतीय प्रश्न मानवाधिकार प्रथम पीढ़ी रे व्यक्ति रो के अधिकार उपरे गुरुत्व प्रदान करा जाय छी उपेंद्र हाई स्कूल मानवाधिकार रो प्रथम पीढ़ी रे व्यक्ति रो क्यों अधिकार उपरे गुरुत्व दिया जाय छी आद्य भाग रे व्यक्ति को जेपरी अधिक सामाजिक राजनीतिक अधिकार मिले सेति पाई मुख्यतः उद्यम करा जाय थी थिला ठीक ठीक सामाजिक ओ राजनीतिक मानवाधिकार प्रथम पीढ़ी रे व्यक्ति रो सामाजिक ओ राजनीतिक अधिकार उपरे गुरुत्व प्रदान करा जाय छी चतुर्थ प्रश्न क्यों अधिकार बिना व्यक्तिर सामाजिक और राजनीतिक अधिकार मूल्यहीन होइथाय क्यों अधिकार बिना व्यक्तिर सामाजिक और राजनीतिक अधिकार मूल्यहीन होइथाय उजलपुर हाई स्कूल प्रथम पीढ़ी अधिकार सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार बिना सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार बिना व्यक्ति रो सामाजिक और राजनीतिक अधिकार टी मूल्यहीन होइथाय मानवाधिकार सुरक्षा आईन भारत रे केबे आरंभ होइतिला मानवाधिकार सुरक्षा आईन 1993 वेरी गुड 1993 मसिया वेरी गुड सुंदर क्यों वर्ष क्यों दिन प्रथम जातीय मानवाधिकार कमिशन गठन करा जाय थिला क्यों वर्ष क्यों दिन प्रथम जातीय मानवाधिकार कमिशन गठन करा जाय थिला उजलपुर हाई स्कूल निर्मला गर्ल हाई स्कूल 1993 मसिहा सेप्टेम्बर मास 29 तारीख दिन 1993 मसिहा सेप्टेम्बर मास 29 तारीख दिन वेरी गुड सुंदर सप्तम प्रश्न भारत रे जातीय मानवाधिकार कमिशन अध्यक्ष पद किए तुलाई थांती भारत रे जातीय मानवाधिकार कमिशन रो अध्यक्ष पद किए तुलाई थांती निर्मला गर्ल हाई स्कूल भारत रे जातीय मानवाधिकार कमिशन रो अध्यक्ष पद किए तुलाई थांती उच्चतम न्यायालय जने अवसर प्राप्त मुख्य विचारपति जे की भारत रे जातीय मानवाधिकार कमिशन रो अध्यक्ष पद तुलाई थांती ये उच्चतम न्यायालय रो जने अवसर प्राप्त मुख्य विचारपति ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन सूचना अधिकार आईन क्यों मसिया रे प्रणयन कराइथिला जुर्मूर हाई स्कूल 2005 मसिया ठीक भारत रे अन्य एक प्रश्न भारत रे प्रथम जातीय मानवाधिकार कमिशन रो अध्यक्ष किए थिले व्यासदेव हाई स्कूल भारत रे प्रथम जातीय मानवाधिकार कमिशन रो अध्यक्ष किए थिले प्रधानमंत्री रघुनाथ मिश्र वेरी गुड श्रीयुक्त रघुनाथ मिश्र जे कि भारत रे प्रथम जातीय मानवाधिकार कमिशन रो अध्यक्ष थिले शेष प्रश्न प्रतिवर्ष क्यों दिन मानवाधिकार दिवस रूपे पालन करा जाए प्रतिवर्ष क्यों दिन मानवाधिकार दिवस पालन करा जाए दहीजरा कन्याश्रम डिसेंबर 10 हाँ कितने मसिया रो 1948 मसिया डिसेंबर 10 तारीख रो आमे मानवाधिकार दिवस पालन करुचे आजिर गृह कार्य टी लेखिनियो
आम राज्य ओडिशा रे कार्यरत मानवाधिकार कमिशन रो गठन और कार्यवली वर्णना कर आम राज्य ओडिशा रे कार्यरत मानवाधिकार कमिशन रो गठन और कार्यवली विषय रे वर्णना कर। आशा करे आज क्लास टी बुझी पारिथिबो। जदि किछि डाउट थिबो ताहेले निज स्कूल रो विषय शिक्षक मानन कठारु बुझी नबो।